राधे राधे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब इसे मैंने दस मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट होने हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक हैं आज मैंने आप सभी के साथ डायरेक्ट जब से बच्चों को पढ़ा रही थी तब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो अभी मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को दूध दिया है और उन्होंने दूध पी लिया है फिर वे पढ़ने बैठ गए क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लर्न करके मुझे सुना रहे हैं कि मम्मी मेरा सुन लीजिए और माधुरी यू के जी में है मैं उसका टेस्ट ले रही हूँ कि कल वो स्कूल में क्या लिखेगी और मैं उन्हें शाम को डेली पढ़ाती हूँ उन्हें डेली आठ बजे तक मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद मैं डिनर तैयार करती हूँ फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग सूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे काफ़ी मेहमान आए थे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ इसी वजह से यही कारण है कि मैं आप लोग के साथ नहीं जुड़ पा रही थी फ्रेंड्स आज मैं कढ़ाई पनीर बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ फ्रेंड्स अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ देखिए फ्रेंड्स मैंने पनीर जो है मैंने पनीर को मीडियम साइज में कट किया है और मैंने इसमें जो है मिर्च पाउडर और नमक और इसमें मैंने नींबू आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ के अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट होने के फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल को कट किया है ये देखिए ये शिमला मिर्च है टमाटर मिर्च प्याज अदरक लहसुन और ये मैंने प्याज को कट किया है क्योंकि मैं इसे सिर्फ सौते करके इस, इसी तरह से मैं सब्जी में ऐड कर दूंगी हल्का सा दोनों को फ्राई करूँगी शिमला मिर्च को और प्याज को और इसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगी फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इसमें मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैं थोड़े तेल में इसे लाल कर लूँगी मुझे डीप फ्राई नहीं करना है और फिर मैंने पनीर को इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं पनीर को चारों तरफ से अच्छी तरीके से लाल हो जाएगा तब तक भूनूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करिए और वेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है प्लीज़ फ़्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए कम तेल में मेरे पनीर कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और फिर मैं इसके बाद शिमला मिर्च फ्राई करूँगी और जो मैंने प्याज को कट किया था उसे मैं फ्राई करूंगी फ्रेंड्स प्याज की ऊपर की जो परत है उसी को सिर्फ लीजिएगा अंदर का जो बचेगा उससे आप ग्रेवी बना लीजिएगा अब प्याज भी फ्राई हो गई है इसे हमें लाल नहीं करना है फ्रेंड्स बस ये नरम हो जाए बस उतना ही इसे फ्राई करना है ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और मैंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया जिसमें मैंने पनीर को और अपने वेजिटेबल को फ्राई किया था उसी तेल में मैंने गोल जीरा और ये जो मैंने प्याज कट किया था ग्रेवी बनाने के लिए वो प्याज करके सौते कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे लाल नहीं करना है मुझे सिर्फ़ इसे सौते करना है ताकि ये प्याज नरम हो जाए फिर मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि ये नरम हो जाए कुछ इस तरह फ्रेंड्स फिर इसका पेस्ट बना लूँगी इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है कुछ इस तरह से मैंने उसी कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है एक इंच दालचीनी का टुकड़ा दो तेज़पत्ता चार लौंग और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है फ्रेंड्स तीखा वाला लाल मिर्च नहीं है कस्तूरी लाल मिर्च है जो हमारे सब्ज़ी को अच्छा कलर देता है और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उस पेस्ट को ऐड करके फिर इसे अच्छी तरीके से भूनूँगी हल्दी इसमें थोड़ा सा ही डालिएगा फ्रेंड्स क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ती है हरी मेथी के पत्ते डाल रही हूँ अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो आप उसे डालिएगा और ये हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है ये तेल छोड़ दिया है और उसके बाद इसमें मलाई घर की फ्रेश मलाई है उसे ऐड करके दो से चार मिनट इसे भुनूंगी इसमें शिमला मिर्च और प्याज भी ऐड हो गया है ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए फिर मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी पनीर को अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स करूँगी और इसे भी दो से चार मिनट हम लो फ्लेम में भुनेंगे फिर मैं इसमें लास्ट में गरम मसाला ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स जितना आपको थिक या थिन ग्रेवी खानी है आप उसी हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा इसमें फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आगे हमने दो बार नमक ऐड किया है तो उस हिसाब से आप नमक को ऐड करिएगा फिर इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा मेरी कढ़ाई पनीर तैयार है अब और ये बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स इसमें से स्मेल इस भी बहुत ही अच्छी आ रही है आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी बनी और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ अपने बच्चों को मैंने रोटी पहले से बना ली थी और मैं बच्चों का प्लेट लगा रही हूँ बच्चों को सब्जी बहुत अच्छी लगी हस्बैंड ने भी जब खाना खाया तो बोले कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है बिल्कुल ये होटल की जैसी कढ़ाई पनीर बनी है फ्रेंड्स इसे एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी मैं जब खाना लगाकर बाहर गई तो देखा कि छवि अपनी डॉल के साथ खेल रही है उसका झूला बनाई थी वो बोल रही थी मम्मा मेरी डॉल झूल रही है उसे ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं और वो रात को कभी भी वो खेलना शुरू कर देती है फिर उसने खाना खाया खाना खाने के बाद फ्रेंड्स वो जाके सो गए थे फिर हम लोग भी खाना खाकर सो गए थे नाइट ब्लॉग मेरा यहीं तक था फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा नाइट ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा थैंक्स फॉर वॉचिंग